तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 5 स्पाइडरमैन गेम। जी हाँ भाई, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और मज़ेदार होने वाले हैं और इनकी ग्राफिक्स तो भाई एंड होने वाले हैं। अच्छा, कुछ ऐसे गेम्स होंगे जो कि ISO फाइल से डाउनलोड होंगे और फिर उसको एमुलेटर से हमें चलाना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन से गेम है और किस तरह चलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो लोग चैनल में नए नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर दो। कुछ ऐसे भी हैं जो भाई देख के वीडियो चले जाते हैं, तो भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में उतरना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और यही बताना कि भाई कौन सा गेम आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सारे काफ़ी में गेम, इसमें कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी प्ले करके अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइज़ आप लोग वो भी मुझे बताना कि वो गेम आपको कैसे लगे। तो गाइज़ वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ टॉप 5 की बात करें, नंबर 5 पे जो मैंने रखा है वो रखा है मैंने इस गेम को। ये भाई बहुत ज़्यादा है ज़बरदस्त गेम है, इसके आप सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और इसमें धमाधम आप भाई बंदों को रगड़ सकते हो, क्योंकि इसकी जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा प्यारी। अच्छा, इस गेम का नाम मैं आपको बताना भूल गया, इस गेम का नाम है स्पाइडर गर्ल। अच्छा, ऐसा ही एक ऑलरेडी मैं गेम की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, स्पाइडर मैन आई थिंक इसी तरह का कुछ नाम था, मुझे भी याद नहीं है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। 154 MB इसका साइज़ है, जो कि भाई किसी भी मोबाइल में बआसानी चल जाएगा। तो आप इसको खेल के, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को और ये गेम पसंद आएगा, तो भाई आप इसको जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो, इसको प्ले करो, मुझे बताओ कि भाई आप लोगों को ये वाला गेम कैसा लगा है। नंबर फोर पर जो मैंने रखा है गाइज वो गेम है स्पाइडर मैन वेब ऑफ शेडोज। तो गाइज ये गेम भी बहुत ज़बरदस्त, 233 MB का है, ज़्यादा भारी फाइल नहीं है इसकी, ये ISO से आपको डाउनलोड कर लेनी है फाइल, उसके बाद आपको डॉल्फिन एमुलेटर से इसको प्ले करना है, और भाई काफ़ी मज़ेदार गेम है, इसको पूरी सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ग्राफिक्स इसके बहुत ज़्यादा जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो भाई मुझे उम्मीद है ये वाला गेम भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं और मिशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। तो देखते हैं कि भाई आप लोगों को पसंद आता है या नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये गेम आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर जो मैंने गेम को रखा है वो है स्पाइडर मैन एज ऑफ टाइम। 1.55 GB इसका साइज है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट ये भाई चल जाएगा आप लोगों के सिस्टम, आपके पास नॉर्मल है उस पर मोबाइल सिस्टम। तो गाइस इसके अंदर काफ़ी सारे मिशंस हैं, इसमें आपको अपनी सिटी को सेव करना होता है, कुछ मॉन्स्टर्स हैं और कुछ जो है ना भाई भारी भरकम से मॉन्स्टर आने वाले हैं। तो इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप सिटी को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, भाई बहुत कुछ इस गेम में भी रखा पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई इसका साइज इतना बड़ा है तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा गेम बनाया गया है। तो ये भी आप लोग ISO फाइल से डाउनलोड करके इसकी बआसानी प्ले कर सकते हो, मुझे उम्मीद है ये वाला गेम भी आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये वाला गेम आप लोगों को कैसा लगा, और टॉप 5 जो मैं गेम आपको बता रहा हूँ उसमें से आप मुझे ये भी बताना कि टॉप 5 में से आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर टू पे आ जाते हैं दोस्तों, तो ये गेम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। 1.7 GB इसका साइज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मगर ये गेम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको भी ISO फाइल से डाउनलोड करके वो डॉल्फिन एमुलेटर से आप इसको प्ले कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी मैं आपको, अगर आप लोगों को इशू होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बिल्कुल प्ले करके और सारा जो हिसाब किताब है वो आपको बता दूंगा। तो भाई इस गेम की बात करते हैं, इस गेम में भी काफ़ी सारा हाई ग्राफिक्स हैं और सिटी भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत कुछ इस गेम में मिलने वाला है, इसके मिशंस बहुत ज़बरदस्त हैं, न्यू मिशंस हैं, अलग अलग आप लोगों को मिशन मिलेंगे, और भाई इसकी स्टोरी लाइन बहुत प्यारी, और अगर आप स्टोरी वाला गेम ढूंढ रहे हो तो भाई ये गेम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो ये भी आप लोग बताना कि आप लोगों वाला गेम कैसा लगा। नंबर वन पे जो मैंने रखा है वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। 700 MB का साइज़ है, जो कि बहुत कम है यार, मेरी नज़र में बहुत कम है, और ये भी बहुत अच्छा गेम है, और इसको भी आप बआसानी अपने मोबाइल में प्ले कर सकते हो, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो यार इसकी ग्राफिक्स भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके मिशन बहुत प्यारे हैं। तो उम्मीद है कि वाला गेम भी आप लोगों को पसंद आएगा, इस गेम में भी आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो, पावर्स अवेलेबल हैं अलग अलग किस्म की। तो भाई मुझे ये भी बताना ये वाला गेम भी आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को कौन सा गेम सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, और आप लोग ज़रूर प्ले करना, मुझे उम्मीद है ये गेम आप लोगों को पसंद आएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जो यार सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, तो यार जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दो, 1K का मेरा गोल है उसको पूरा कर दो। तो मुझे उम्मीद ये भी है कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई, जब भी आप लोग देखते हो, मेरे काफ़ी सारे व्यूज़ ही मेरे आते रहते हैं,
तो कमेंट्स भी मुझे आते रहते हैं आप लोगों के, तो भाई जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर दो, बन के गोल है उसको जल्दी से पूरा करना है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।